आज राधोगढ़ एसडीएम ब्रजेश शर्मा से सिटी चैनल द्वारा की गई बातचीत। धन्यवाद सर। ये मजदूर जो पलायन कर रहे हैं लोग से भारी संख्या में, जी तो आवर मंडल में उसकी क्या व्यवस्था की? हमारे यहाँ में पानी के टैंकर्स लगा दिए हुए हैं और जगह जगह नाश्ता की व्यवस्था की है। उनको पोहा वगैरह ये बिस्किट्स हैं ये लोग ये दे रहे हैं। जी सर, आपके यहाँ कितने मजदूर आए हैं पलायन करके? नहीं, पलायन करके हमारे यहाँ से राजस्थान से आए हैं, वो पहले आ चुके हैं। 3,300 कुछ हैं, 3,350 के आसपास हैं, मतलब वो पहले आ चुके हैं, अभी नहीं आ रहे हैं वर्तमान में। वर्तमान में हाँ, पहले आ चुके हैं वो। सर जो उपार्जन के अंदर कितनी कैसी स्थिति चल रही है? हमारे यहाँ 14 उपार्जन केंद्र पूरे सब डिवीजन में, उनमें सब बढ़िया खरीदी चल रही है। आज से कुछ बारदानों की कमी आ सकती है, कल से, आज तक का है पूरा बारदान, कल से आ सकती है थोड़ी बहुत कमी। नहीं, कोई विवाद में नहीं है, बढ़िया चल रहा है डोंगर केंद्र। सबसे अच्छा केंद्र डोंगर है, क्या है उसमें संख्या ज़्यादा है, कृषकों की रजिस्ट्रेशनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए एक साथ बहुत से लोग आते हैं तो वो आपस में विवाद करते हैं। वहाँ की विवाद कुछ नहीं है, वहाँ में केंद्र बनने से थोड़े से विवाद नहीं। रुठियाई और डोंगर का केंद्र एक ही जगह बना है, क्योंकि वहाँ 140 चबूतरे हैं हमारे पास, पर्याप्त जगह है, वहाँ रखने की भी पर्याप्त जगह है। और बीच में मांग उठी हाँ, वो तो रुठियाई वाले मांग उठा रहे थे, रुठियाई के जो आसपास के गांव वाले, वो सोचते थे कि हमारा रुठियाई केंद्र, लेकिन रुठियाई का जहाँ केंद्र बनता था वो गहरी जगह थी, पानी की संभावना थी और ऐसी मतलब ढलान ढालू टाइप की ज़मीन थी, इसलिए वहाँ पर नहीं बनाया केंद्र। और जो बारदाने कमी की आप कह रहे हैं तो नहीं, वो तो कल पूर्ति हो जाएगी जहाँ तक, लेकिन आज तक का बारदाना है पर्याप्त। सर बीच में बाजार जो खुल रहा है उसमें थोड़ी आपत्ति थी टाइमिंग के समय में लोगों हाँ हाँ कराने के लिए, तो अब आज से कल से हाँ आज से लॉकडाउन 3 पूरा हो जाएगा, कल से मतलब लागू हो जाएगा, उसके बाद जो समस्याएं आएंगी बताएंगे आपको। अभी तक तो कोई हमारे यहाँ रावगढ़ में ज़्यादा समस्याएं नहीं है। मंडी की क्या पोजीशन? मंडी बढ़िया चल रही है हमारे यहाँ। क्या नहीं, सभी लोग पर डे आ रहे हैं और नीलामी हो रही है पर डे। नीलामी हाँ, सौदा पत्रक से कुछ दिन किया था लेकिन उसमें क्या था, किसानों को घाटा हुआ, क्योंकि सौदा पत्रक में व्यापारियों की मनमानी चलती है, तो हमने फिर पर डे मतलब नीलामी शुरू कर दी है, वो बढ़िया चल रही है। कोरोना काल में सर एक जो एकत्रित काम आ गया है और बाकी आपके काम अलग हैं, तो इसको कैसे एडजस्टमेंट हुआ? वो तो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हमारे क्या है, जो रेगुलर काम है वो जैसे ऑफिस वर्क है वो थोड़ा कम पड़ गया है, तो इसमें हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। दिन रात लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, हम अकेले भी नहीं लगे, सभी लोग लगे हुए हैं, सामाजिक लोग भी लगे हैं, कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं। वो संकट का समय, इसका करेंगे समाधान करेंगे। और कोर्ट अभी बंद है, कोर्ट हाँ कोर्ट का काम बंद, कब तक चालू होगा? अब ये जब जैसे ही आदेश आएंगे अपन, कोर्ट का काम बंद है, टोटल काम टोटल बंद है जी। तो सर पर्सनल समय कैसे निकाल पाते हैं इसके, व्यस्तता के बीच में परिवार को समय? अरे वो तो ऐसे ही है, परिवार को समय देना जरूरी नहीं है, पहले समाज सेवा करना है हम लोगों को, सरकार की नौकरी करना है, समाज की सेवा करना है, लोगों की मदद करनी है हमें संकट के काल में। अब परिवार को तो जितना समय दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते तो भी ठीक है। अभी हमारे यहाँ मिडवे ट्रीट पर भी काम चल रहा होगा, आपने देखा होगा शायद, मिडवे ट्रीट पर लगभग 100-125 बसें पर डे आ रही हैं, जो राज वहाँ से महाराष्ट्र से आ रही हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार जा रही हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा समय दिन और रात लगे हुए हैं उसमें भी। आपके डिवीजन से हाँ लगा हुआ, हमारा सब डिवीज़न है क्योंकि हमारे क्षेत्र से ही लगा हुआ है, तो हम लोगों की भी ड्यूटी लगती है, वहाँ जाने जाना आना पड़ता है, वहीं रहते हैं, बल्कि रात रात भर काम कर रहे हैं, और हमने ही पूरी टीम काम कर रही है। 15,000 के लगभग मजदूर आ रहा है। हाँ। सर, एनएफएल और गैर इसमें कोई मदद आपकी कर रहे हैं कोरोना काल में? अतिरिक्त मदद कोरोना काल में उनके लिए, वो अपना अपनी सिस्टम चला रहे हैं, अतिरिक्त मदद के लिए क्या मजदूरों के लिए या कोई नहीं? नहीं, मजदूरों के लिए हम ही लोग कर रहे हैं, कोई बजट नहीं, बजट नहीं देते उन्हें, कोई बजट नहीं देते, सब शासन के बजट से और सामाजिक लोगों के बजट से काम चल रहा है, सब लोग मदद कर रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे बढ़िया लोग हैं, अपन जिससे जो कह देते हैं वो खाने पीने की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, इस टाइप की व्यवस्था है, सब कर रहे हैं मजदूरों की, सब मदद कर रहे हैं। क्या सर, आपके यहाँ जो
कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और क्या क्या सावधानी रखना है? अपने क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हर आदमी 1 मीटर या 2 मीटर दूर रहे, एक दूसरे से टच ना करे, दूसरा मास्क लगा के चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचना है, ये काम करना है। गर्म पानी पीना है, गर्म कोई भी चीज़ गर्म ज़्यादा खाने है, जिससे आपके गले में इन्फेक्शन ना हो। गले में क्या होता है, कोरोना के जो जीवाणु होते हैं वो गले को ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं, तो श्वास नली में ज़्यादा मतलब दिक्कत करते हैं, श्वास नली सुरक्षित रहे, जिससे हम गर्म चीज़ पिए, गर्म दूध पिए, गर्म हल्दी का उपयोग करें, इस टाइप से तुलसी है, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएं पिए, उससे हमें सहायता मिलेगी। सर, जितने लोग क्वारंटाइन किए हैं, हमने क्वारंटीन आपके एरिया में किए हैं, तो उनमें एक समस्या आ रही है कि वो पालन नहीं करते, तो उसके लिए क्या? नहीं, हम लोग सख्ती कर रहे हैं, वो पुलिस की भी सहायता लेते हैं, हमारे यहाँ कर्मचारी भी जाके समझाते हैं उनको, सख्ती से काम कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाने वाले हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। गुना में हमने सुना था, गुना में चाचौड़ा में भी हो रही है, हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं, हम लोग बोलते हैं बिल्कुल मान जाते हैं लोग, और आदेश की अवहेलना भी नहीं करते, सब लोग मानते हैं। संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल में? अब संदेश तो यही है कि ये समय निपट जाए, थोड़ी आपत मतलब दिक्कत में हैं अपन लोग, सभी लोग आराम से निपट जाएगा, भगवान चाहेगा सब निपट जाएगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद।